सपा से बागी हुए नेता पर भाजपा ने खेला दाव। फिरोजाबाद पूर्व में समाजवादी खेमे के कट्टर नेता हुआ करते थे देश दीपक यादव, अब कमल के साथ मिलकर वार्ड नंबर 40 से टिकट लेकर जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। आपका स्वागत है। एक बार फिर हम उत्तर प्रदेश में आ चुके हैं और फिरोजाबाद में सियासी घमासान मचा हुआ है। यहाँ पर निकाय चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशी अपना दमखम दिखाने में जुट गए हैं। आज इसी तौर पर एक शेर, मतलब एक पुराना जो शेर है, इन्हीं पहले अक्सर समाजवादी पार्टी के खेमे में हुआ करता था वो शेर, और अब भाजपा में आ पहुंचा है। नाम देश दीपक यादव, पुराना चेहरा। जानते हैं कि क्या मुद्दे रहेंगे और क्या जनता के लिए क्या किया जाए। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका दिल्ली पार्टी में। सर आपको तो पूरी जनता जानती है वार्ड में, तो क्या और नया रहेगा क्योंकि पुराना तो सारा कुछ हो चुका है। नया अब यह है कि शहर में सबसे पहले मैं अपने वार्ड को गड्ढा मुक्त घोषित करूँगा। एक साल के अंदर गड्ढा मुक्त वार्ड का वायदा है। भारतीय जनता पार्टी में जा चुका हूँ। हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का ये सपना था कि हमारा प्रदेश गड्ढा मुक्त वार्ड हो। शुरुआत में हुई वार्ड से कुछ साल पहले की अगर मैं बात करूँ तो कुछ साल पहले आप समाजवादी पार्टी से पार्षद थे। अब आपको टिकट भाजपा से मिली है, तो क्या कारण रहा कि समाजवादी पार्टी को आपको छोड़ना पड़ा? ये बहुत तीखा सवाल है। मैं इसका तीखा ही जवाब दूंगा। समाजवादी पार्टी के नेताओं को चापलूसों की आदत पड़ चुकी है। संघर्षशील व्यक्तियों की वहाँ कोई अब जरूरत नहीं रही। मैं संघर्ष करता था और आपने मुझे सब कवरेज भी दिया। आप वहाँ देखते थे, आप लोगों की वीडियो चलाते थे हमारे संघर्ष की। हमने 5 मुकदमे ऊपर लगवा लिए। सारी पार्टी काम करते हुए मेयर साहब के और नगर निगम के काले करतूतों को हम गुजार करते थे, तो मुकदमे भी लगे। लेकिन वहाँ ये हुआ, भाजपा से आए हुए प्रेमचंद संगवार को मुझे हटाकर सपा पार्षद का अध्यक्ष उन्हें बना दिया गया। वो आए, हमने अपने नेताओं से शिकायत की कि ऐसे आदमी बना दो, संघर्ष करता लाइफ पार्टी के लिए। लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने, मतलब वो जो प्रेमचंद सपा थे उनको उन्होंने एक भी कोई कार्यक्रम नहीं किया। हम एक साल से शिकायत करते रहे अपने नेताओं, किसी फ्री नहीं, तो हम स्वाई पार्टी के पार्षद में अपनी सारी पार्टी छोड़ दी। तो क्या लगता है कि इस बार भाजपा, क्योंकि कल तक आप भाजपा के खिलाफ थे और आज आप भाजपा के साथ हैं, तो क्या लगता है भाजपा का मेयर बनेगा तय? क्योंकि इधर समाजवादी पार्टी भी दावा कर रही है कि फिरोजाबाद से मेयर उसका हो। मैं भाजपा के खिलाफ कभी नहीं रहा। मैं केवल वहाँ नगर निगम में जो कमीशन खोरी अधिकारी कर रहे थे वो चल रही थी, मैंने हमेशा उसकी खिलाफत की। भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी तो कोई होती नहीं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस नीति को लेकर काम करती है। मैं नगर निगम की जिम्मेदारी थी तो नगर निगम के काले कारनामों को उजागर करता था। भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है और अब तो मैं ये देख रहा हूँ कि आदमों में भी और मुसलमानों में भी भाजपा का ध्यान बढ़ता है। अभी रिसेंटली एक किस्सा है कि उज्जवल गुप्ता के समीप एक उनका जो मकान है उनके आवास के समीप एक मंदिर। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।